हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके होंगे कि आज इस वीडियो से आपको जैविक हल्दी की काश्त कैसे की जाती है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हल्दी की काश्त के लिए मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा माना जाता है, फिर भी इसकी काश्त जून के महीने तक की जा सकती है। यदि बड़े स्तर पर हल्दी की काश्त करनी हो तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, उसके बाद रेजरों की मदद से खेत में लाइनें खींच ली जाती है और जैसे गन्ने की बुआई होती है ऐसे ही लाइनों में हल्दी की गांठों को रख के उस पर मिट्टी डाल के नेंडे बना दी जाती हैं। छोटे स्तर पर हल्दी की काश्त के लिए सबसे पहले किसी लोहे के औजार से लाइन खींच ली जाती है और फिर इस लाइन पर हल्दी की गांठों को 6 से 9 इंच की दूरी पर रख कर उस पर मिट्टी डाल के मेंड बना दी जाती है। इन मेंडों की ऊंचाई 9 इंच से 1 फुट तक हो सकती है और 2 मेंडों के बीच का फासला 1 फुट से 1.5 फुट तक रखा जा सकता है। जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें केवल गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। बुवाई के बाद सूखे घास पत्तों और धान की पराली से इन मेंढों पर मल्चिंग की जाती है। दोस्तों, इस मल्चिंग का फायदा ये होता है कि एक तो इसके नीचे वाली ज़मीन में नमी बरकरार रहती है और दूसरा इसमें खरपतवार कम निकलते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी सिंचाई 5 से 7 दिन बाद कर देनी चाहिए, इससे अंकुर जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं। हल्दी की बुवाई के लगभग 25-30 दिन बाद इसके अंकुर ज़मीन से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह उचित समय पर सिंचाई करने से सारा खेत हरा भरा दिखाई देने लगता है। समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करने से पौधे मजबूत होते हैं और इनकी बढ़ोतरी भी अच्छी होती है, जिससे हल्दी की पैदावार भी अच्छी होती है। दिसंबर जनवरी में जब इसके पत्ते सूख जाते हैं तो वो समय इसकी पुटाई का अच्छा माना जाता है।
कटाई के बाद हल्दी की साफ और जड़ वाली गांठों को अलग अलग कर दिया जाता है। हल्दी की ये साफ गांठों को ही खाने में प्रयोग किया जाता है और ये जड़ वाली गांठों को दोबारा बुआई के लिए रख लिया जाता है। दोस्तों, हल्दी की तीसरी किस्म की गांठें भी होती हैं जिनका प्रयोग कहीं भी नहीं किया जा सकता। ये पुरानी गांठें होती हैं और इनको फेंकना ही पड़ता है। इन साफ गांठों को पानी से अच्छी तरह से धो के उबाला जाता है और फिर इनको सुखाने का काम शुरू होता है। दोस्तों, हल्दी सुखाने के बाद 80% वाष्प के रूप में उड़ जाती है। केवल 20% भाग ही खाने के लिए बचता है जिसको पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है।